बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीलॉग में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कुछ मशहूर जाली बाबाओं से, जाली आमिलों से। और ये वो आमिल हैं जिन्हें 10-12 साल में हमने सरेआम प्रोग्राम में बेनकाब किया। हम आपको कसूर के उस बाबा से भी मिलवाएंगे जो ख्वातीन को मुकम्मल तौर पर बरहना करके एक जौहर में उनको नहलाता था, उनके पूरे बदन पर हाथ फेरता था और कहता था कि तुम्हें शिफा मिलेगी। हम आपको सिगरेट पीरनी से भी मिलवाएंगे कि जो सिगरेट के धुएं का दम करती थी मरीजों के ऊपर और कहती थी कि इससे शिफा मिलेगी। हम उस बाबा से भी आपको मिलवाएंगे कि जो कुरान मजीद उल्टा पढ़ता था पूरे का पूरा, नऊज़ बिल्ला, और पूरा गांव ये समझता था कि देखें जी हजरत कितनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। वो सिर्फ वो अल्फाज चंद इस्तेमाल करता था जो कुरान पाक में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। उस जाली आमिल से भी हम आपको मिलवाएंगे जो कि परी बनने की अदाकारी करता था, परी पीर कहलाता था और ये कहता था कि मैं एक परी हूं, और वो परी लोगों की मुश्किलात को हल किया करती थी। और फिर एक ऐसा बाबा कि जो छुरी औरतों के पूरे बदन के ऊपर और उनके नाजुक आज़ा पर फेंक कर उन्हें शिफा देने का दावा करता था। गुजरांवाला का वो मज़ार भी और वहाँ जो कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे कि जहाँ एक गंदा जौहर था, नाला था, जो गंदा नाला जहाँ गिरता था वहाँ लोग आके नहाते थे और समझते थे कि शायद उन्हें यहाँ से शिफा मिलेगी। और हमें चैलेंज किया गया था कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये जौहर कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो क्या वो बंद हुआ या नहीं, और ये सब कुछ बताकर हम जो साबित करने की कोशिश करेंगे वो ये कि ये सारे जाली आमिल, इनके चेले जिस तरह से रिएक्ट करते थे, जो जो बातें करते थे, बिल्कुल ये शुफ और इसके चेले भी वैसी ही बातें करते हैं। तो ज़रा ये पहली वीडियो देखना शुरू कीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कसूर के करीब एक ज़ईफ जाली बाबा था और ये बाबा ख़वातीन को बेलिबास करवाता था, ख़वातीन के पूरे बदन पर ये हाथ फेरता था जो भी साइला इसके पास जाया करती थी। और इसने अपने अड्डे के अकब में एक जौहर बना रखा था, एक गंदा गलीस तालाब था जहां ये औरतों को नहलवाता था और कहता था कि यहां से तुम्हें शिफा मिलेगी। तो जब हमने वहां जाकर रेड किया तो उस गंदे तालाब के इर्द गिर्द हमें सैकड़ों शलवारें और सैकड़ों कमीजें मिली ख्वातीन की। अब जरा लोगों की सादा लोही और जहालत का भी अंदाजा कीजिए। तो ये वो बाबा था कि जब हम कैमरों के साथ इसको पकड़ने के लिए गए तो इसके सैकड़ों मुरीद थे जो इसकी इरादत मंदी में, जो इसकी अकीदत मंदी में वहां इसकी हरकतें देखें। और ये मैं कहूंगा कि जो शुफ के चेले हैं वो भी यकीनन जब इसकी वीडियो देखते होंगे तो यही कहते होंगे यार ये बड़ा बदबख्त है कि ख्वातीन को बेलिबास कर रहा है, ख्वातीन के बदन पर हाथ फेर रहा है, बच्चों को टांगों से पकड़कर उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहा है, उनको अजीब तरीके से घुमाया करता था मासूम बच्चों को। तो बज़ाहिर सबके सब लोगों का इस पर इत्तफाक होगा कि यार ये बहुत ही घटिया बाबा है। और ये इतना घटिया बाबा है कि जब हम इसको बाद में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के पास लेकर गए तो कसूर के DSP ने इससे कलमा सुनना चाहा, इस बदबخت को कलमा तक नहीं आया। ये भी जरा देखिए, कलमे तो हम कितने होंगे नहीं, अब्बल अंगकमर आप ना। तो जनाब इस लेवल का गलीज, जाहिल, घटिया, बदकिरदार जाली आमिल, जाली पीर, इसको भी जब हम पकड़ने के लिए गए तो इसके चेले खड़े हो गए कि जनाब नहीं, हमारे पीर साहब बिल्कुल ठीक हैं, हमारे पीर साहब की बातों में भी फैज है, हमारे पीर साहब की गालियों में भी फैज है। तो जनाब बिल्कुल एक ऐसा जाली आमिल जो ख्वातीन का इस्तेहसाल करता था, जो बच्चों की जिंदगियों से खेलता था, जिसे कलमा तक नहीं आता था, उसके चेले भी, और ये कोई आम चेले नहीं थे, पढ़े लिखे थे, ये अमेरिका से दोनों भाई वापस आए थे, उसके चेले भी उसका दिफा करते हैं, इसलिए कि अपनी अना की तस्कीन करनी होती है। यार साढ़े पीर में कोई किमें झूठा कह सकता है, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। बिल्कुल वैसे ही शुफ के चेले, बल्कि चेलों से ज्यादा जो उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके मुआशी मफादात शुफ और शुफ के कारोबार से वाबस्ता हैं, वो भी शुफ का दिफा करते हैं और उसके दिफा में जो हक बात करता है उसको भी बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुजरांवाला में भी एक जौहर था, एक गंदा तालाब था और वहां पे मेन GT रोड के ऊपर सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे और वहां नहाया करते थे और वो ये समझते थे कि यहां इस गंदे में जिसमें बदबू और गलाजत भरे भभूके उठते थे, ताफुन उठता था जिस तालाब में से, उस तालाब में सैकड़ों की तादाद में मर्द, ख्वातीन, बच्चे आके नहाया करते थे। हम जब वहां गए उसके करीब एक मज़ार भी था किसी अल्लाह के बुजुर्ग का, और हमने वहाँ जो मुतवल्ली थे और वहाँ जो लोग थे हमने उनसे कहा कि खुदा का खौफ करें, दीन का ये ताफुन ज़दा बदबूदार सड़ांड वाला चेहरा तो कम से कम दुनिया के सामने ना रखें। तो वहाँ भी जो अकीदत मंद थे नाम निहाद या जिनके फाइनेंशियल मफादात वाबस्ता थे, उसने भी कहा कि चौधरी ऐ बंद नहीं हो सकता, जब बंद करवा दे मैं सड़क पर जुतियाँ खावांगा तेरे को। ये भी ज़रा देखिए,
तो एक तरफ तो ये चैलेंज था और दूसरी तरफ हमने इस बदबूदार ताफून ज़दा गटर वाले पानी वाले तालाब को हमने बंद किया और वो आज तक पिछले 3-4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बंद है। लेकिन उसका भी जो बिजनेस पार्टनर था वो भी शुभ शुभ के चेलों की तरह चिल्ला चिल्लाकर उसे ठीक कह रहा था। अब चलते हैं सिगरेट पीरनी की तरफ। रिसेंटली हमने गोजरा की एक सिगरेट पीरनी को बेनकाब किया। असल में ये खातून थी और ये मर्द का हुलिया बना के 20-20 सिगरेटों का धुआं मारती थी मरीजों के मुंह पर, जिन बेचारों को पहले सांस नहीं आ रहा, जो पहले से कैंसर का शिकार है, उनके मुंह पर धुआं मारा जाता था और कहा जाता था कि आपको इससे शिफा मिलेगी। और उस वक्त भी जब हम इसको पकड़ने गए पुलिस के साथ और मकामी इदारों के साथ, तब भी लोग ये कह रहे थे कि जी हमें यहां आके शिफा मिल गई, हम ठीक हो गए। इसलिए कि ये मार्केटिंग एजेंट होते हैं इस तरह के तमाम तरह अड्डों के, ये असल में मरीज नहीं होते, ये प्लांटेड अदाकार होते हैं या फिर बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग कि जिनको अल्लाह ज़हरे मुख्तलिफ ज़राए से शिफा देता है किसी ना किसी मामले से, और वो ये समझ बैठते हैं कि हमें शिफा इस गंदे जौहर से मिली है, या हमें शिफा इस गंदे और बदबख्त और बदबूदार इंसान से मिली है, या हमें भेस बदल कर ड्रामा करने वाली सिगरेट वाली पीरनी से मिली है। तो ज़हरे परवरदिगार 8 अरब 9 अरब इंसानों में से बहुत सारे लोगों को शिफा देता है, उनके खुद के मुदाफती निज़ाम से कोई और जरिया और वसीला बन जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उनका दिमाग होता है कि ओह शायद इसके पास जाने की वजह से मुझे शिफा मिली। तो ये सिगरेट पीने वाला मामला भी आपने देखा। इसके साथ साथ एक और पीर को हमने पकड़ा कि जो अजीबोगरीब आयात तिलावत करता था, नऊज़ बिल्ला, आयात कहना भी गलत बात है, लेकिन वो पढ़ता ऐसे ही था जैसे कुरान मजीद के शायद या अरबी के कुछ अल्फाज हों। हमने उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग की और खुफिया रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने उलमा को दिखाया कि ये कौन सी अरबी की आयात या कलाम या दुआएं तिलावत करता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो चंद अल्फाज बीच बीच में अदा करता है। पूरा गांव उसकी हिमायत में खड़ा हो गया था कि जी ये पीर साहब तो बड़े अल्लाह वाले हैं जो आयात कुरानी को भी गलत पढ़ रहा था। तो जनाब यहाँ गलत पढ़ा जा रहा था और शुभ शुभ तो आयात पढ़ना जानता ही नहीं है, और उसके बावजूद लोग समझते हैं कि लो जी ये बड़े अल्लाह के वली हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये, और ये कहा जाता है कि ये कोई आलिम थोड़ा ही है। भाई जब एक बंदा अल्लाह के करीब होने का दावा कर रहा है, जब वो कहता है कि मैं कलाम अल्लाह से लोगों को शिफा देता हूँ, और आज तक उसकी जबान से हमने कोई आया मुबारक नहीं सुनी कुरान मजीद की, कोई हदीसें मुबारक नहीं सुनी, तो उसकी जहालत का, उसके डंगर बने का अंदाजा लगाया जा सकता है, और यही कहा जा सकता है कि वो सिर्फ मजहब को फरोख्त कर रहा है, मजहब का नाम बेच रहा है। इसी तरह हमने परी पीर को भी बेनकाब किया था। ये खानवाल के करीब एक बंदा था जो कहता था कि मैं परी हूं, और वो नकाब में खातून की आवाज निकालता था, बाकायदा आंखों का पलकों का मेकअप करता था और लोगों को परी बन के शिफा देने का ड्रामा करता था। लोगों को यही लगता था कि ये कोई परी है जो कि आती है और आके शिफा देती है और फिर चली जाती है। हमने जाके पुलिस के साथ उसे पकड़ा और जब उसका नकाब उतरा तो हमें अंदाजा हो गया वो दड़ी मुछा वाला एक पाई था जिसे पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद फिर सारा ड्रामा उसने में दोबारा से करके दिखाया कि वो कैसे परी बनता था। हाँ जी सब चीजें आती है लेकिन वो शो नहीं ना करना चाह रहे। तो आपने देखा ये कैसा फ्रॉडिया परी पीर था, लेकिन इसके मानने वाले भी कह रहे थे कि हमें इससे शिफा मिलती है। आप अंदाजा कीजिए कि दो चीजें, कि या तो वो सारे उसके मार्केटिंग एजेंट होते हैं कि जो ये कह रहे होते हैं कि जनाब हमें शिफा मिली है, या फिर वो बेचारे सादा लाओ लोग होते हैं कि जिन्हें परवरदिगार ने किसी भी और वजह से, उनकी किसी खुराक की वजह से, उनके मुदाफती निज़ाम की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने शिफा अता की होती है, और वो ये गुमान कर बैठते हैं कि मुझे इस अड्डे पर जाने की वजह से या इस पीर के पास जाने की वजह से या इस जाली आमिल के पास जाने की वजह से शिफा मिली है। वरना ये सारे के सारे लोग इस्टेब्लिश्ड फ्रॉडी हैं। इनकी वीडियोस देखकर शुफ शुफ के अपने चेले भी कहेंगे कि ये फ्रॉडी है। कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं किसी ऐसे पीर को कि जो औरत के बरहाना बदन पर हाथ फेर रहा है। एक और ऐसा पीर कि जो छुरी से तमाम जो आज़ा हैं, नाजुक आज़ा हैं ख्वातीन के, उन पर अपना ठरक झाड़ा करता था। हम जब उसको भी नकाब करने के लिए गए, उसकी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया, इसलिए कि वो देगे पकवा के उनके अंदर तकसीम किया करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुभ शुभ के चेले खड़े हो जाते हैं इसके दिफा में। तो ये सारे पीर जो हमने बेनकाब किए,
जिनके करतूत हमने आपके सामने वीडियो एविडेंस के जरिए रखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुभ शुभ के करतूत हमने आपके सामने रखे, मगर इनके करतूत बेनकाब होने के बावजूद जो इनके मार्केटिंग एजेंट थे, जिनके पैसों के मफादात इन लोगों से वाबस्ता थे, या जो यहां जाके लंगर खाया करते थे, या जो इनकी वजह से जहालत में पड़ गए थे, वो उनको कहते थे कि जी जनाब ये बिल्कुल सच्चे पीर हैं, बिल्कुल वैसे जैसे शुभ शुभ वाले कहते हैं ये सच्चा पीर है। हर चीज सामने आ जाने के बावजूद, उसकी आंखों वाली जंजीरें बेनकाब होने के बावजूद, उसके मुंह से कीले निकलने वाले मामलात को बेनकाब हो जाने के बावजूद, ये जान लेने के बावजूद कि ये बदबख्त कोई आया मुबारका नहीं पढ़ सकता, ये कुरान नहीं जानता, ये नमाज तक नहीं जानता, ये जानने के बावजूद कि इसने अरबों रुपए की जायदादें बना ली हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी नाक नीची ना हो जाए, क्योंकि हमने इर्द गिर्द के लोगों को कहा था कि यार देखो जी साढ़ा पीर है, इसके हम कसीदे पढ़ा करते थे, हम इसकी तारीफों के पुल बांध दिया करते थे, हूँ उसी के मैं मान लिए कि ये झूठा है। ये आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते दीन के मामलात में, और बिलखसूस जब ख़त्म नबूवत के अकीदे का सवाल हो, तो इस तरह के बदबख्तों के साथ अपनी अना को मुंसलिक मत कर लिया करें कि चूंकि हम इसको पीर कह चुके हैं अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, या अपने लोगों के सामने, लिहाजा हम इसको झूठा मानेंगे तो हम झूठे पड़ जाएंगे। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अकीदा खत्म नबूवत की सरबुलंदी के लिए शुफ शुफ और जैसे जितने भी जाली पीर हमने आज तक बेनकाब किए, अपनी अनाओं को दरमियान में मत आने दीजिए, दिल बड़ा कीजिए, तस्लीम कीजिए कि ये बदबख्त वो बदबख्त है कि जिसका शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं है, इसका हमारे पाक दीन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सही मानों में मुसलमान हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ते हैं, तो आप सबको, चाहे आप इसके कितना करीब रहे हैं, चाहे आप इसके कितने करीब के चेले हैं, दीन की सरबुलंदी के लिए इस बदबख्त को हम सबको डिसओन करना होगा, चाहे इसका ताल्लुक आपके मजहब से है, चाहे इसका ताल्लुक आपके इलाके से है, चाहे इसका ताल्लुक आपकी बरादरी से है, चाहे इसका ताल्लुक आपके मसलक से है, चाहे इसका ताल्लुक आपके पीर खाने से, जिसको आपने बना लिया था कि जी हमारा ये पीर खाना है, खुदा के वास्ते इससे ऐलान ला ताल्लुकी कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके खिलाफ जिद्दोजहद में शामिल हो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है।